नमस्कार दोस्तों, आज नेक्स्ट सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनल रिवीजन फॉर केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए पार्ट नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट पार्ट नंबर 3 में पूरी नहीं हो चुकी थी, तो कुछ चैप्टर्स बाकी थे, तो इस वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो पहले की तरह दोस्तों, हमने अभी तक सीखा ये है कि टुगेदर वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, टुगेदर वी कैन ग्रो। सिमिलरली चैलेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, विदाउट चैलेंजेस वी आर नथिंग, वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो। थर्ड वाज दैट व्हेन वी आर मूविंग वन स्टेप क्लोजर वी आर कमिंग क्लोजर टू आवर टारगेट। फोर्थ वन वी डिस्कस्ड वाज द गॉड इज द अल्टीमेट अल्टीमेट डायरेक्टर, ही विल डायरेक्ट, वी विल फॉलो। एंड द नेक्स्ट वन टूडेज इज डोंट गिव इन विदाउट अ फाइट, वी नीड टू फाइट रेगुलरली टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट विच वी आर कीन टू गेट इट। सो दोस्तों आगे चलते हैं, पढ़ते हैं सब चैप्टर नंबर 14 बायो मॉलिक्यूल्स के। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास। तो आप ये देख सकते हैं एक स्लाइड में कि इंसुलिन जो है चाबी है किसकी, ब्लड शुगर सेल में तभी असिमिलेट हो पाएगी अगर पैनक्रियास सही तरह से काम कर रहा है। क्योंकि ये पैनक्रियास जो है इंसुलिन सिक्रेट करेगा, नहीं तो वो जो है शुगर सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नेक्स्ट, सो द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर ए फॉस्फेट ग्रुप ए बेस एंड ए डैश शुगर। देख सकते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड में दो चीज़ें होती हैं, बेस एंड शुगर, बट न्यूक्लियोटाइड में एक और चीज़ होती है, दैट इज नोन एज फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 3, लिंकेज होल्डिंग मोनोसेक्राइड यूनिट इन माल्टोस, दैट इज ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज। देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज, एंड देन प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड CONH राइट हैंड साइड डायग्राम में। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज प्रपोज बाय जेम्स वाटसन। दोस्तों देख सकते हैं एक्चुअली जो प्रोटीन के चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तो लीनियर बेसिकली प्राइमरी जो है लीनियर होता है और सेकेंडरी ब्रांच होता है, टर्शरी देयर विल बी इंटरलॉकिंग एंड द क्रॉस लिंकिंग इन क्वार्टनरी। नेक्स्ट, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, फाइब्रस प्रोटीन जो है हमारे बालों में होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है हमारी एंटीबॉडीज जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह काम करती हैं, और हमारा एच वी है हेमोग्लोबिन, वो कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मोनोसेक्राइड जो कि स्वीटर है सुक्रोज से, दैट इज फ्रुक्टोज। सो फार्मूला हालांकि सेम होता है, ओनली सी एच के सी थ्री के अराउंड, सी थ्री एंड सी फोर के अराउंड पोजिशन का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज विटामिन डैश डेफिशिएंसी कॉजेज इम्पेयरमेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दैट इज के। सो दोस्तों और भी हमें पता होना चाहिए कि विटामिन ए जो है लॉस ऑफ विजन के लिए है, विटामिन बी वन बैरी बैरी है, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, एंड फर्दर कैल्शियम कैन लीड टू डिजीज लाइक बोथ बोन एंड टूथ डीके। सिमिलरली आयोडीन कैन कॉज गोइटर एंड आयरन कैन कॉज एनीमिया। नेक्स्ट इज ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शन एज डैश एंजाइम्स रेगुलेट्स डैश प्रोसेसेस मेटाबॉलिक एंड एक्ट एज एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। देख सकते हैं दोस्तों कि मेटाबॉलिज्म होता है क्या है, मेटाबॉलिज्म दो चीज़ें होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉलर बनते हैं, और इससे ऑपोजिट होता है एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट दोस्तों, पॉलीमर्स पॉलीमर्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन नेम सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर लीनियर साइक्लिक ब्रांच नेटवर्क, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस थर्मोप्लास्टिक थर्मोस्टैटिक इलास्टोमर्स फाइबर्स, बेस्ड ऑन सोर्स नेचुरल सिंथेटिक एडिशन कंडेंसेशन। नेक्स्ट दोस्तों, थ्री नेचुरल फाइबर्स आर वूल सिल्क कॉटन। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्टार्च का मोनोमर ग्लूकोस है, सेलुलोज का भी ग्लूकोस है, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स है, रबर का आइसोप्रीन 2-methyl-1,3-butadiene, नेचुरल रबर आइसोप्रीन 2-methyl-1,3-butadiene, इसकी
इक्वेशन लिखी हुई है, तो एडिशन रिएक्शन है, फिनॉल फॉर्मेलिया राइजन इज कॉल्ड पैकलाइट स्विचेस पॉली मिथाइल मीथा एक्रेलेट, दिस इज द पॉलीमर एंड द मोनोमर इज मिथाइल मीथा एक्रेलेट एंड पान पॉलीक्रिलोनाइट्राइल, क्रिलोनाइट्राइल इज द मोनोमर. प्रोटीन, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ डैश अल्फा अमीनो एसिड्स एंड सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सो कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैक्राइड है. लिपिड्स फैटी एसिड्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं. फॉर नेचुरल पॉलीमर पी डी आई इज इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन वन होती है सिंथेटिकली. टेफ्लॉन इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर वेयर हैज बैकलाइट इज ए स्टेप ग्रोथ. सो बैकलाइट आपको पता है यूज नॉनस्टिक की कढ़ाई वगैरह तो उसमें यूज़ होता है. टेफ्लॉन टेप जो है हमारी फिटिंग्स के लिए यूज़ होती है, वाटर की फिटिंग. नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. एंटीसेप्टिक यूजली एडेड टू सोप इज बीथियोनॉल. तो आपको स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट सल्फर ड्रग्स इज यूज इन द निमोनिया इज सल्फा पिरिडीन. स्ट्रक्चर आपको जरूरत नहीं है याद करने की. नेक्स्ट इज एस्प्रिन, एस्प्रिन कैन एक्ट एज एंटी पायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक. एस्प्रिन का स्ट्रक्चर आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्लोरो एम्फेनिकोल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. मॉर्फिन मे बी यूज एज एन डैश एनाल्जेसिक बट इट शुड इट्स यूज शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इज हैबिट फॉर्मिंग. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स बी एच थ्री एंड बी एच ए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल. सो वॉट दे आर डूइंग इज दे आर एब्जॉर्बिंग द रेडिकल्स विच इज कॉन्टिन्यूइंग द रिएक्शन. नेम टू प्रिजर्वेट फॉर फूड सोडियम बेंजोएट वी आर यूजिंग इन जैम्स एंड सॉस. सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एंड सम वन नेचुरल ग्लव नेचुरल प्रिजर्वेटिव इज क्लव. नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों कि माइफ प्रिस्टोन इज एन ड्रग विच ड्रग एंटी फर्टिलिटी सो विच इज यूज टू अवॉइड द प्रेगनेंसी. तो दोस्तों हम पढ़ने के बाद हमने अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कितना हमने सीखा है. गिव एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मोनोमर हुज सिंथेटिक मोनोमर हुज सिंथेटिक पॉलीमर शुड बी देयर सिंथेटिक पॉलीमर हुज मोनोमर इज नियोप्रीन. तो क्या होना चाहिए देखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस विच इज यूज टू इम्प्रूव इम्प्रूव नॉट बी वी शुड कम द इलास्टिक प्रॉपर्टीज बाई एडिशन ऑफ सल्फर. सो दोस्त ये दिमाग लगाइए क्या आंसर आएगा. सिंथेटिक रबर एंड प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन. वल्कनाइजेशन से क्रॉस लिंकिंग इम्प्रूव हो जाती है जिसके कारण इलास्टिक प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती हैं. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेम है मेडिसिन विच एक्ट इज बोथ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक दैट इज एस्प्रिन. वेरी गुड. सो दोस्तों बहुत अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच पेशेंटली सुनने के लिए. दोस्तों दूसरों को बताइए कि उनको भी फ़ायदा मिल सके. थैंक यू वेरी मच.